मैं मेहुल सलड़िया, आपको यहाँ पर हमारी चैनल पर अगर आपको कोई वीडियो अपलोड करवाना है या फिर हम हमारी चैनल से जोड़ना चाहते हो, आपके पास अगर कोई कोर्स कंटेंट कुछ भी हो जो आप अपलोड करना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स इसके बारे में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड जैसा एक यूज करूंगा जिसकी मदद से आपको काफी हेल्प मिलेगी। मैं जो थोड़े बहुत पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, आप इसी चैनल में ज्वाइंट हो इससे कोई मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आप कहीं पे भी वीडियो बनाते हो अगर इन शॉर्ट, तो इन बातों को अपने दिमाग में जरूर रखिए। ठीक है, ओके, लेट अस बिगिन। हाउ टू मेक अ वीडियोस ऑन यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म लाइक अन अकेडमी और खान अकेडमी, मैनी देर आर मैनी एरियस ऑप्शंस। ठीक है, हाउ टू मेक अ वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड व्हाट इज योर इंट्रो। You must have any topic or course that you are going to teach on any platform. Intro about your channel. So before you begin any video, if you are making video on Knowledge is Currency, then mention that welcome to Knowledge is Currency. This is your platform. So you have to mention it, your introduction, your name, your qualification, what is your achievements. ठीक है, आपको ये बेसिक बातें इसलिए बतानी है ताकि कनेक्शन हो सके आपका अपने जो भी आपके व्यूअर्स होंगे या फिर जो भी आपके लेक्चर्स को देखेंगे उनके साथ आपका एक बॉन्डिंग बनना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो आप ये बातों को जरूर ध्यान में रखिए। फिर देर आर सम डूज एंड डोंट्स, यानी कि आपको कुछ बातों को इग्नोर करना है और कुछ बातों को करना है, उनको ध्यान में रखना है। डू एंड डोंट्स, मैक्सिमम वीडियो की साइज 10 से 15 मिनट होगी तो अच्छा रहेगा। ज्यादा लंबा अगर आप कंटेंट आपका एंगेजमेंट वाला होगा तो अच्छा है, अदरवाइज शॉर्ट वीडियो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर आप जो भी कंटेंट यूज करें, यानी कि कंटेंट आपने इमेज यूज किया, वीडियो यूज किया, या फिर कोई फोटोग्राफीज, या फिर कोई ऑडियो, कोई रिसर्च पेपर, किसी के डायरेक्ट फोटो कॉपी, ऐसा कुछ भी अगर यूज करते हो तो एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि वो वीडियो या फिर वो फोटो नॉन कॉपीराइट होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कॉपीराइट वायोलेशन ना आना चाहिए, अदरवाइज ये वीडियो भी आपका डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो पीपीटी, पीडीएफ, रिकॉर्डेड वीडियो, ये सब का आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि वो कंटेंट वायोलेशन ना हो, किसी का कॉपीराइटेड ना हो। ठीक है, फिर आप ध्यान में रखिए कौन सा टॉपिक विच यू कैन एक्सप्लेन वेरी वेल। आप जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हो उसको एकदम सही से आपके पास उसकी जानकारी होनी आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप ही को कुछ नहीं पता होगा तो आप दूसरों को क्या सिखाएंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो एंगेजमेंट है व्यूअर्स के साथ, वो आपके स्लाइड, पीपीटी, वो सब जस्ट एक एडिशन है, लेकिन आपका जो वॉइस होगा, मॉड्यूलेशन, यानी कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं उनके साथ, ये सब ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, सो यू हैव टू डू रिसर्च बिफोर टीचिंग, यानी कि खुद दूसरों को पढ़ाने से पहले खुद आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक थिंग्स है, आपको जस्ट माइंड में रखना है। चेक ऑल दिस थिंग्स बिफोर सबमिटिंग। ओके, अभी कुछ चीजें ऐसी है जो आपको नहीं करनी है। कौन सी? डोंट, यू नीड टू मेंशन चैनल नेम। आपको ये तो करना ही है, चैनल का नाम मेंशन करना है, लेकिन ज्यादा ऐसा ना हो कि फिर आप अपनी पब्लिसिटी मार्केटिंग करने लगे कि ये मेरा सोशल मीडिया लिंक है, ये मेरी वेबसाइट है, वो सब। ठीक है, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो, हम इससे कोई हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन ज्यादा वो मैक्सिमम 30 सेकंड में सब कुछ हो जाना चाहिए। व्हाट इज योर इंट्रो, बेसिक डिटेल्स, फिर उसके बाद आपको डायरेक्टली टॉपिक पे जाना है। वीडियो को लंबा करना कोई मायने नहीं रखता, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वो सब एंड में आएगा वो ठीक है, लेकिन मेन काम आपका यहाँ पर टीचिंग है, फालतू की वो सब चीजें है, लेकिन अभी इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, यू कैन गिव योर सोशल मीडिया लिंक्स, बट यू हैव टू कम्प्लीट द सीरीज, अदरवाइज योर वीडियो विल बी डिलीटेड। मीन्स आप जस्ट कोर्स कोई भी कर रहे हो टॉपिक, जैसे कि इंग्लिश हुआ, तो आपने ग्रामर पकड़ा है तो फिर उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने जस्ट वन वीडियो उसके ऊपर बना दिया, फिर आप दूसरा टॉपिक लेंगे और दूसरे टॉपिक के ऊपर जाएंगे, तो वो कोई मायने नहीं रखता, आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है, एजुकेटर्स, आप अपना नाम, डिटेल वो सब देंगे, लिंक देंगे, सोशल मीडिया लिंक भी दे सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी जगह पे आपको ये वीडियो की लिंक भी शेयर करनी होती है। ठीक है, यानी आपके व्यूअर्स ज्यादा से ज्यादा कैसे इस वीडियो तक पहुंचे वो आपकी जिम्मेदारी है, कि आप उनके कॉन्टेक्ट निकालिए, आप ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, या फिर कोरा पे आंसर्स लिखिए, फेसबुक पेज बनाइए, या फिर अपनी वेबसाइट, ब्लॉग, कुछ भी लिखिए। व्यूअर्स आप तक पहुंचना चाहिए, आपका कंटेंट उसके पास पहुंचेगा नहीं, फिर भी अगर आपने फिर भी कितना भी अच्छा कंटेंट बनाया, लेकिन अगर व्यूअर्स देखेगा ही नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसका। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग हमने देख लिया, डोंट यूज कॉपीराइट वॉइस, वीडियोस, इमेजेस, एटसेट्रा।
इंस्टेड आप क्या कीजिए, जैसे मैं अभी पेन और ये टेप का यूज करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं कॉपीराइट नहीं करवाना है, यानी ये कंटेंट मेरा हो, मैंने किसी की कॉपी चुराई नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत जघन्य अपराध है हमारे यहाँ, वायोलेशन भी हो सकता है, यूट्यूब तो वीडियो डाउन भी कर देता है, ठीक है। फिर एक और बात, 16:9, आप जब भी रिकॉर्ड करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर हो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैं बताया था, एंड्रॉइड अगर डिवाइस यूज कर रहे हो तो फिर आप एमआई वाला फोन होगा तो उसमें तो इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर भी आता है, लेकिन अगर दूसरा कोई फोन है तो एक्स रिकॉर्डर या फिर एजेड रिकॉर्डर, ऐसे 2-3 एप्लीकेशन है अच्छे अच्छे आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें फोन को आप सीधा नहीं पकड़ना है, लैंडस्केप फोन में, यानी ऐसे खड़ा नहीं, इस तरीके से रखना है, 16:9 रेशो इसको बोलते हैं। आप जैसे यूट्यूब का जो वीडियो पूरा देखते हैं वो 16:9 रेशो में होता है, ठीक है। वाइड स्क्रीन, इन शॉर्ट फुल स्क्रीन में आपको दिखाना है, ऐसा भी नहीं कि ये आपका बॉर्डर हुआ और वीडियो जस्ट इतना में ही प्ले हो रहा है तो ये सब चीज ब्लैंक दिखेगी, ब्लैक ब्लैक वो अच्छा नहीं दिखेगा। फिर कोशिश कीजिए पूरा वीडियो स्क्रीन में कवर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप फोटोज यानी कि स्लाइड शो की मदद से बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, आपने इमेज में पहले लिख दिया A4 साइज सीज, A4 साइज पेज होगा, उसमें आपने ऑलरेडी पेन से आपने लिख दिया अपनी हैंड राइटिंग में कि ये चीजें है, ये टॉपिक है, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप पूरे का पूरा स्टोरी उसी पेज में लिख दीजिए, जस्ट कीवर्ड लिखिए, यानी कि आज का टॉपिक है एडवर्ब, तो एडवर्ब लिख लिया, फिर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में जिस टॉपिक ऐसे कुछ लिखिए कि रीडर्स आपकी बात के ऊपर ध्यान रखे, ना कि वो ऐसा करे कि आपकी जो पीपीटी स्लाइड है उसी को पढ़ता रहे और आपका वीडियो बैकग्राउंड में चले ले, इससे कोई एंगेजमेंट नहीं होगा व्यूअर्स के साथ, ठीक है। हैंड राइटिंग लिखते हो तो पहले तो कैम स्कैनर वाला जो ऑप्शन था, लेकिन अभी दूसरे बहुत सारे ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट लेंस, ठीक है, या फिर नोट ब्लॉक करके है एंड्रॉइड में, आप सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन एप स्टोर में मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल शीट A4 शीट ब्लैंक में लिख लीजिए, उसको फोटो निकाल लीजिए, उसका कैम स्कैनर जैसे एप्लीकेशन की मदद से उसको एक ग्रुप में रख दीजिए, पीपीटी बना दीजिए, पेज बना दीजिए, पीडीएफ बना दीजिए, और फिर उसी वीडियो को स्क्रॉल करते हुए या फिर स्लाइड शो की मदद से जस्ट उसी को उसके ऊपर वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लीजिए, तो आपका वीडियो अपने आसानी से बन जाएगा। फिर आपको जस्ट एडिटिंग करना होगा तो भी कुछ कुछ जगह पर क्रॉपिंग करना पड़ेगा या ट्रिम करना पड़ेगा, या फिर कोई इमेज डालना है तो एक्स्ट्रा इमेज डाल सकते हो जस्ट व्यूअर्स के कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। लार्ज हैंड राइटिंग लिखिए, ऐसा ना हो कि आपने पूरा एक मिनट पूरा पेज इतना था, आपने हर लाइन में कुछ ना कुछ लिख दिया और व्यूअर्स को दिख ही नहीं रहा कि क्या लिखा है, तो आपको क्या करना है, विजिबल बड़े अक्षर में लिखिए कि व्यूअर्स पढ़ पाए कि लिखा क्या है, ठीक है। इस तरीके से मेन टॉपिक का कीवर्ड ही जस्ट उनको बताना है, बाकी तो एक्सप्लेन आप ही करोगे कि पूरी चीज क्या है, ठीक है। A4 शीट ब्लैंक हुआ, इमेज शुड बी क्लियर एंड बिग, विजिबल, लैंडस्केप मोड में करना है, लार्ज हैंड राइटिंग करना है, गुड और नेट, यानी कि गांधी जी की तरह अगर आपकी हैंड राइटिंग है तो दिक्कत की बात है, लेकिन थोड़ा अच्छे से कैपिटल वर्ड यूज कीजिए और उस तरीके से लिखिए ताकि आपके वर्ड्स के बीच स्पेस भी रहेगी और आपके वर्ड इजिली विजिबल भी रहेंगे, यानी जितना नाइस नीट क्लीन इतना होगा वो अच्छा रहेगा, व्यूअर्स एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, ठीक है। आप स्कैनर का भी यूज कर सकते हो, यानी पेज को वाइट कर देगा, यानी जो फोकस करना है वो आप कर सकते हो, फिर जो चीज को जूम करवाना पड़े तो उसको जूम करके आजू बाजू की चीज क्रॉप कर दीजिए, ऐसा ना हो कि आपने फोटो गिरा है लेकिन बॉर्डर में पास में सब कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट राइटिंग के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। अभी हम मेन ये है, बाकी सब आपने पीपीटी स्लाइड्स वो सब बना लिया, उसके बाद अगर आपका वीडियो बैकग्राउंड नॉइज वो सब होगा तो व्यूअर्स को इतना अच्छा नहीं लगेगा, व्हील रिकॉर्डिंग ये सब चीज आप ध्यान में रखिए, बेसिक चीज है, बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, वो आपकी क्वालिटी वीडियो की क्वालिटी पे उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है। सबसे पहले ऐसी प्लेस पकड़िए जहां शांति हो, ज्यादा शोर शराबा ना हो, पीछे नॉइज ना चल रहा हो, या फिर व्हीकल की आवाज ना आ रही हो, या फिर पीपल यानी कि इंसान इधर उधर घूमते रहते हैं उनकी बातचीत की आवाज आ रही हो, ऐसा कोई जगह ना पकड़िए, ठीक है। फिर मोबाइल को चार्जिंग में ना रखते हुए उसको अलग रखिए, अच्छा वाला माइक्रोफोन यूज कीजिए, मोस्टली ईयरपिन में भी जो माइक्रोफोन होता है वो अच्छा ही रिकॉर्ड करता है, इतना कुछ बुरा नहीं होता, फिर भी शांत जगह होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ में एक ग्लास पानी भी रख सकते हो, आप लॉन्ग वीडियो बनेगा तो आप अपना थ्रोट गला उसको सही करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में वो आवाज बिगड़ जाएगा फिर इसके लिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये बेसिक चीजें रिकॉर्डिंग की होगी, चार्ज और देख लिया कि चार्जिंग करते हुए अपना फोन रिकॉर्ड ना कीजिए, अपना जो ब्रीथिंग आवाज है ये सब आवाज बीच बीच में ना आए, आपको माइक और आपके बीच में थोड़ा गैप रखना है, डिस्टेंस रखिए तो अच्छा आवाज आएगा, ठीक है। साथ ही में अगर आपके पास जैसे मैंने वो ऐप बताया था एक्स रिकॉर्डर, तो उसमें आपको हाईलाइटर
हाइलाइटर जैसे इस तरीके से, इसका ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया कि आपकी टॉपिक, इंट्रो, फिर चैनल का इंट्रोडक्शन, फिर पीडीएफ, पीपीटी, फोटो, इन सब चीज का यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉपीराइट ना हो। और फिर हमने देखा कि आप रिकॉर्ड करें वॉइस, तो रिकॉर्डिंग करते समय आप एप्लीकेशन एक्स रिकॉर्डर में अपनी ईयरपिन से भी रिकॉर्ड करेंगे तो भी आवाज अच्छा आएगा, लेकिन बैकग्राउंड में शांति बनी रहनी चाहिए और आपके आसपास कोई नॉइज ना रहे उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीपल, वाहन, पंखा, या फिर खराब माइक्रोफोन, अपना गला ठीक करते हुए वो आवाज, या फिर पानी रखिए साथ में, तो आपका आवाज बीच बीच में जो अगर खराब हो रहा है तो क्लियर अच्छा हो सकता है, ठीक है। अगर इनकेस आपको लगता भी है कि कुछ दिक्कत आ रही है तो आप पॉज कर दीजिए वीडियो और उसके बाद वापस कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। ये सब बातें हुई रिकॉर्डिंग की, जस्ट अभी आपने ये सब देख लिया, लेकिन वीडियो आपको अगर नॉलेज इज करेंसी पे, यानी कि KIC हमारे चैनल पे आपको अपलोड करवाना है, तो जस्ट आप कॉन्टेक्ट कीजिए। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको नीचे वीडियोस में मिल जाएगी, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, या फिर दो एजुकेटर का नंबर भी नीचे दिया है, ठीक है, मेहुल और नंदन, ठीक है। तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको वो डिटेल्स देंगे कि आपका पूरा कोर्स अगर हुआ, अगर आपने जस्ट एक वीडियो सबमिट करवाना है तो उस वीडियो में पूरी डिटेल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आधा अधूरा काम करके छोड़ दीजिए, तो पूरा वीडियो अगर आपको हमें सबमिट करवाना है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपका जो टॉपिक ऑफ टीचिंग होगा उसके अंदर आपका स्किल चाहिए पढ़ाने की, ना कि हमें नॉलेज। नॉलेज तो गूगल पे हर कोई पा ही लेता है, ठीक है, लेकिन आप अगर पढ़ा सकते हो अच्छी तरह से तो वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर रिकॉर्डिंग का ध्यान रखिए, लैंडस्केप में ही करना है, पोर्ट्रेट में अच्छा नहीं रखेगा, ठीक है। फिर की हैंडी फोटोज होगा, जो भी वीडियोज होगा, मटेरियल्स होगा, आप अपने पास ही में रखिए रिकॉर्डिंग के समय। ऐसा ना हो कि आपको कुछ रिसर्च करना, यानी कुछ भूल गए हो तो वापस देखने के लिए सब बीच बाच में छोड़ के जाना पड़े और वापस वो लाना पड़े। तो इन शॉर्ट आप ये सब क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हमें वीडियो सबमिट कीजिए। टेलीग्राम लिंक पे नंबर दे दिया जाएगा आपको, यहीं से हम वीडियो आपका अपलोड कर देंगे। अगर इनकेस आपकी कंसिस्टेंसी बनी रही और आपने चैनल पे अच्छा खासा ग्रो किया तो आपको क्रिएटर भी बनाया जाएगा और आप खुद ही अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब ठीक हुई बेसिक बातें। इसके अलावा आप वीडियो को कुछ ऐसा बनाएं कि मिनिमम कंटेंट स्लाइड हो लेकिन मैक्सिमम आउटपुट मिले, मैक्सिमम गेन, यानी ऐसा ना हो फिर आपने कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उसकी सारी इमेजेस ही रख दी और आप सब इमेजेस को एक्सप्लेन करते रहे, तो ऐसा नहीं है। मैप रखिए, अगर कोई लोकेशन की बात हुई, या फिर कोई वीडियो भी दिखा सकते हो अगर इनकेस आपके पास अवेलेबल है, या फिर लिंक दे सकते हो डिस्क्रिप्शन में कि आप ये वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप जितना एंगेजिंग वीडियो बनेंगे वो अच्छा रहेगा। फिर एक चीज तो आपको हमेशा याद रखना है कि कॉपीराइट वाला कंटेंट नहीं यूज करना है, एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करना है, आपको व्यूअर्स के साथ बातचीत करते रहना। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट बोल रहे हो सर मेरा नाम मेहुल है, आप ये पढ़ रहे हैं इसके लिए कि आप, ऐसा नहीं। आपके आवाज में मॉड्यूलेशन आना चाहिए, कभी कभार इमोशन की तरह आवाज बढ़ी, कभी घट गई, स्लो हुई, पॉज लिया, पेस हुआ, लेकिन ये सब चीजें मेंटेन रहनी चाहिए। मोनोटोनस नहीं लगना चाहिए, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एंगेजिंग कंटेंट बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है कि जस्ट यूट्यूब पे तो हजारों वीडियो है, खुद ही देख रहे हो, लेकिन आपका वीडियो उससे अलग कैसे होगा वो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। कॉपीराइट कंटेंट नहीं चलाना है, वरना वो ऑटोमेटिकली डिलीट होगा ही, अगर कॉपीराइट वायलेशन आए तो वीडियो आपका डिलीट कर दिया जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, दूसरों का कंटेंट में क्या रखा है, आपका कंटेंट कोई चोरी करे ऐसा हो तो भी कुछ बात बनेगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए मेकिंग वीडियोज में, प्रेजेंटेशन, लेसन, जो भी बना रहे उसमें कंसिस्टेंसी रखिए। ऐसा नहीं है कि आप जैसे ये पेन अभी मैंने यूज किया, ठीक है, अगर आप पीपीटी बना रहे हो, पीपीटी में हेडिंग आता है, फिर टॉपिक का नाम आता है, फिर कंटेंट आता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट लिंक आती है, तो इन सभी में इनका फॉन्ट अलग रहना चाहिए, इसका फॉन्ट अलग रहना चाहिए, इसका फॉन्ट अलग रहना चाहिए, इसकी साइज फॉन्ट की अच्छी रहनी चाहिए, बड़ी वाली, इसकी मीडियम, इसकी स्मॉल, इसको हाईलाइट करना चाहिए इसे, ठीक है। तो आप मैक्सिमम टूल्स का यूज कीजिए, वीडियोस को एंगेजमेंट वाला बनाइए, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपको अच्छी तरह से देना है तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। और स्लाइड को सिंपल रखिए, ऐसा नहीं कि वो मैं कैसे बोलते कि मेघ धनुष यानी कि इंद्रधनुष सभी कलर को आपने ऐड कर दिया, फिर वो सभी कलर का मिक्स बना दिया। ब्लैक बोर्ड है या फिर व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर ब्लैक पेन है, टॉपिक का नाम ग्रीन में रखा है, कंटेंट ब्लू में है, बस इतना सिंपल हो गया। आप चार्ट का यूज कर सकते हो, शेप का यूज कर सकते हो, ट्राइंगल शेप, स्क्वायर, ठीक है। फिर स्लाइड में ज्यादा कलर यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो फिर आपकी बात के ऊपर फोकस नहीं रहेगा और स्लाइड के ऊपर सारा फोकस चला जाएगा, ठीक है। और जितना बन सके सिंपल, अपने हैंड राइटिंग में अगर आप बड़े अक्षर में अच्छे तरीके से दिखा रहे हो तो वो सबसे सिंपल और सही रास्ता है। टाइम भी बचेगा, वीडियो भी अच्छा आएगा, कंटेंट भी रहेगा, सब कुछ मिलेगा उसमें, लेकिन साइज विजिबल रहना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। सेम थ्रू आउट स्लाइड, ऐसा नहीं कि एक स्लाइड में बड़ा, एक स्लाइड में छोटा, ऐसा
और जैसे मैंने बताया था कि पूरी राइटिंग नहीं कर देनी है, जस्ट कीवर्ड लिखिए, फिर उस कीवर्ड को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके मदद के लिए आप कुछ भी कंटेंट यूज कर सकते हो, लेकिन आ मारू गाम छे, अहियाँ हूँ रहू छू, ये सब पूरा स्टोरी नहीं बताना है उनको, ठीक है, लिख कर, वरना वो स्टोरी पढ़ते रहेंगे और आपका वीडियो चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करनी थी, ये सब बातचीत हो चुकी है। फिर कोई अगर पॉइंट है तो उसको जूम करना पड़े तो आप उतने फोटो को जूम भी कर सकते हो। ठीक है, जूम कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए, फिर उसको मार्क कीजिए, ये सब टूल्स का यूज कीजिए। अगर स्कैम्स के आप एक्स रिकॉर्डर यूज करें तो उसमें आपका फेस कैम भी दिख सकता है, यानी आप अपनी बातचीत करते हुए अपना फोटो दिखाना चाहते हो तो वो भी दिखा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी ये सब हो चुका, मेन इतना होगा, आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन देना है अपना और वीडियो का 30 सेकंड मिक्स, फिर बॉडी, और लास्ट में अगर हो सके तो एक रिकैप दे दीजिए कि आप आज आपने इतने टॉपिक में क्या पढ़ा है, यानी आज का अपना 1, 2, 3 इतनी चीजें कंप्लीट हुई, कल अगर हम वापस लेक्चर देखेंगे तो इसमें इतनी चीजें होगी, तो कंटेंट आपका मेंटेन रहेगा, लिंक रहेगी इसके बीच में। ठीक है, व्यूअर्स भी आपके वीडियोस की राह देखेंगे। फिर देर आर मेनी ऑप्शंस, आप अगर एंड्रॉयड यूज कर रहे हो या फिर आईफोन यूज कर रहे हो, आईपैड यूज कर रहे हो, टैब यूज कर रहे हो, तो एंड्रॉयड में बहुत सारे टूल्स है, जैसे पीपीटी के लिए स्लाइड्स है, गूगल स्लाइड्स, फिर एमएस ऑफिस है, फिर गूगल प्ले स्टोर में आपको बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे या फिर टूल्स मिल जाएंगे, आईफोन में की नोट है, बहुत सारे ऐसे, फिर ये मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ उसका नाम है जामबोर्ड। ठीक है, ये भी गूगल वाला है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, इमेज, स्टिकी नोट, ट्राई कंटेंट कैमरा, ये सब ऐड करने के लिए, फिर ये हाईलाइटर, फिर ये सब सिलेक्ट करने के लिए, उसको डायरेक्ट डिलीट करने के लिए, फिर ये टोटली इरेज करने के लिए, ये पेन कलर, फिर ये से टाइप, जैसे मैं टाइप किया तो इसका ऑटोमेटिकली राउंड शेप हो गया। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल है, आप किसी को भी यूज कीजिए, कंटेंट होना चाहिए मेन तो। हैंड रिटन नोट्स हैं भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियर, फिर नीट एंड क्लीन, विजिबल, स्पेसिंग अच्छे से हो, ज्यादा फिर वो आप अपना कर्सिव राइटिंग दिखा रहे हो ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, इजीली कंटेंट दिखना चाहिए, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, और कुछ नहीं है। ओरिजिनल आप कंटेंट अपना ग्राफ, टेबल, चार्ट कुछ भी बना सकते हो। तो ये बेसिक चीज हुई इंट्रो, सब वीडियो आपका बन गया, चैनल पे आ भी गया, तो अभी आपको क्या करना है, अपना जो भी ग्रुप होगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, कोरा, ब्लॉग, सभी जगह पे उसकी एक लिंक को छोड़ देना है, आपको शेयर करना है उनके साथ, उनके क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देना है, ज्यादा से ज्यादा अपने व्यूअर्स के साथ एंगेजमेंट रखना है, वीडियोस के कमेंट आते हैं तो उसको पढ़ना है, उसमें भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, फिर आपका जो आवाज होगा रिकॉर्डिंग के समय, आवाज स्लो भी होगा तो चलेगा, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए डायरेक्टली व्यूअर्स के साथ। ठीक है, और जब भी आप वीडियो बनाए तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो है एक चीज हमको बतानी पड़ेगी, एजुकेशन है, साइंस एंड टेक है, न्यूज है, अलग अलग यूट्यूब में बहुत सारी कैटेगरी आती है, वो आप देख लीजिए उसमें ये कौन से कैटेगरी में जाता है, फिर सब्जेक्ट का नाम, टॉपिक का नाम, अगर कोई सिलेबस है एग्जाम का उसका टॉपिक है तो वो डिटेल मेंशन कीजिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए इस टॉपिक में आपने क्या क्या पढ़ाया है, ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, तभी आपका वीडियो अप्रूव होगा। ठीक है, अपना वीडियो, जैसे मैं गुजराती में अगर कुछ लिख रहा हूँ, आपका वीडियो अगर अपनी कोई भी रीजनल लैंग्वेज में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आप इंग्लिश कीवर्ड का यूज करके, ये मैं हिंदी में समझा रहा हूँ उसी तरह से आप अपना वीडियो कोई भी भाषा में हो आप इजीली सबमिट करवा सकते हो, लेकिन कंटेंट इंग्लिश में अगर होगा तो वो अच्छा रहेगा, और आप एक्सप्लेन उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में करेंगे तो भी चलेगा। इसके अलावा आप अपना नॉलेज या फिर रेफरेंस के लिए बुक्स पढ़ सकते हो, चार्ट्स, रिसर्च पेपर, गवर्नमेंट वेबसाइट, न्यूज आर्टिकल्स, ये सब कंबाइन करके करके आप अच्छी वाली स्लाइड बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कोई एक ही आर्टिकल को पकड़ो और उसी के ऊपर पूरा वीडियो बना लीजिए। ठीक है, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो की कैटेगरी कैसी होनी चाहिए, टॉपिक, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंटेंट, फिर लास्ट में समरी, ये सब, फॉन्ट की साइज, स्लाइड या फिर हैंड राइटिंग है तो वो कैसी होनी चाहिए, पेज कैसा होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड कैसा होना चाहिए, आपका आवाज रिकॉर्डिंग करने के समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो सब क्या होना चाहिए, ये सब ध्यान रखिए। फिर आपके व्यूअर्स के साथ आपको कनेक्शन बनाने के लिए उस वीडियो को शेयर करने के बाद उनके आंसर्स देने हैं, उनके
क्वेश्चंस के रिप्लाई देने हैं या फिर शेयर मैक्सिमम करना है, ठीक है, कंटेंट आपका कोई कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए, तो ये बेसिक डिटेल्स है। वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखना भी बहुत आवश्यक चीज़ है इसके लिए। तो आप देख लीजिए, अगर आपको एजुकेशन चैनल नॉलेज इज करेंसी के साथ जुड़ना है तो आप हमारे कोई भी लिंक में कॉन्टेक्ट करके हमारे कोई भी एजुकेटर के साथ जुड़ सकते हो और अपना वीडियो यहाँ पर अपलोड करवा सकते हो। लेकिन आपका कोर्स पूरा होना चाहिए, कोई एक टॉपिक के ऊपर ना हो, उसका ध्यान रखिए, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज होगी तो भी चलेगा, इंग्लिश होगा तो भी चलेगा, हिंदी, गुजराती, मराठी, कुछ भी लैंग्वेज हो लेकिन चलेगा। लेकिन कंटेंट होना चाहिए, पूरा सिलेबस होना चाहिए, पूरा कोर्स होना चाहिए। एक वीडियो ना हो, 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाइए, लेकिन अच्छा वाला हो, आवाज अच्छा हो, स्लाइड बनाइए, पीपीटी, हैंड राइटिंग कुछ भी यूज कीजिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी चैनल के बारे में, मुझे बतानी आवश्यक लगी इसलिए मैंने आज वीडियो शेयर कर दिया है। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप कॉन्टेक्ट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।